नमस्कार दोस्तों, जिस काम को करने में सोवियत संघ 30 से अधिक बार असफल रहा, अमेरिका 35 अधिक बार असफल रहा, चाइना 40 से अधिक बार असफल रहा, वही काम हमारा इसरो ने दोस्तों बहुत जल्दी कर दिया, पूरे दुनिया का चुका दिया है। इसरो ने तहलका मचा दिया है, भारतीय वैज्ञानिक ने एक रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास बनाया है, भारत बादशाह बन गया है। इसरो के इस कामयाबी से पूरे दुनिया खुश हो चुका है और दुनिया के कोने कोने से भारत को केवल बधाई मिल रही है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, यहाँ तक कि भारत का जो भी देश हो, जापान हो या फिर रसिया हो, दोस्तों हर जगह से केवल भारत को बधाई मिल रहा है, बोल रहा है कि आखिरकार भारत ने वही काम कर दिखाया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। दोस्तों भारत ने बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी बना दिया है, अंतरिक्ष का बादशाह बन जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, इस टेक्नोलॉजी से भविष्य में भारत आम लोगों को भी अंतरिक्ष में भेज देगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका मन है कि नहीं हम अंतरिक्ष में जाके पिकनिक मनाएं, दोस्तों वो भी अब संभव है। अगर आपका मन है अंतरिक्ष में हम घूमें, अब ये भी संभव है। भारत ने बहुत बड़ा कांड किया, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आपको इसरो पे गर्व होगा, बोलेंगे भाई आखिरकार हमारा संस्था, हमारा स्पेस एजेंसी जिसको हमारा सरकार बहुत कम रकम देता है, बहुत कम पैसा देता है, फिर भी हमारा वैज्ञानिक रात दिन एक करके वो कीर्तिमान रचा है जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसरो का मैं तमाम जानकारी इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों आप जानते हैं साल 2018 में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा घोषणा किया था। हमारा घोषणा था कि हम अपने नागरिक को अपने दम पे स्पेस में भेजेंगे, यानी कि गगनयान मिशन का दोस्तों पूरे दुनिया के सामने में घोषणा करके सबको चौंका दिया था। और बड़ी बात तो यह है, उस समय दुनिया के बड़े बड़े देश बोला था कि यह संभव नहीं है, भारत अभी काबिल नहीं है, वो भी 2022-23 तक ये संभव ही नहीं है, केवल फेंक रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, इसरो ने उसी गगनयान मिशन के तहत दोस्तों एक बहुत बड़ा सफलता हासिल किया है। दरअसल आप जानते हैं, देखिए दोस्तों गगनयान मिशन कोई एरोगोरो मिशन नहीं है, इसमें इंसान को ऊपर भेजना है, ठीक है। अगर किसी इंसान को आप ऊपर भेजते हैं तो उसे नीचे कैसे लाए, यह भी एक समस्या है। मान लीजिए अब तक हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, रॉकेट जाता ऊपर में और ऊपर में ही रॉकेट गिर जाता है। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया ऊपर में दोस्तों, आराम से सैटेलाइट सेट हो गया, यानी कि सब रॉकेट का कमाल है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा जो आम लोग है वो अंतरिक्ष में जाएगा और वहाँ से फिर घूम के धरती पे आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कौन करेगा, इसीलिए विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, वो भी तीसरी बार, एक बार सफल हुआ, दूसरी बार सफल हुआ और लगातार तीसरी बार सबसे बेहतरीन इंजन विकास इंजन का सफल परीक्षण करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। सिंपल से बात करें तो अब हम लोग आराम से अपने नागरिक ऊपर भेजेंगे और आराम से ऊपर से उसे नीचे लाएंगे। दोस्तों मैं विकास इंजन का तमाम खूबियां बताऊंगा और बताऊंगा इससे कैसे भारत रातों रात सुपर पावर बन चुका है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करें दोस्तों, पूरा देखिएगा तब समझ आपको आएगा। अब दोस्तों आप पूछे आखिरकार ये विकास इंजन काम कैसे करेगा, किस प्रकार से हमारे मानव मिशन में सहयोग करेगा। देखिए आप जानते हैं जब मानव मिशन होता है तो भारी भरकम दोस्तों एक खासतौर पे मॉड्यूल बनाया जाता है, खासतौर पे एक कैप्सूल बनाया जाता है। और बड़ी बात तो यह है, उस कैप्सूल को अंतरिक्ष ले जाने के लिए हाई पावर का जरूरत होता है। दोस्तों ये विकास इंजन खासतौर पे बहुत हाई पावर में थ्रस्ट पैदा करेगा, यानी कि एक बार में कम से कम 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पावर पैदा करेगा और आराम से अंतरिक्ष में भेज देगा हमारे नागरिक को और आराम से उसे दोस्तों सफल खासतौर पे अंतरिक्ष में पहुंचा देगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इसका उपयोग आराम से PSLV, GSLV, यहाँ तक कि GSLV Mark 3, यानी कि तीनों रॉकेट में आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे GSLV, PSLV, Mark 3, दोस्तों तीनों में हम लोग आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया अब तक की बात, तो आप बोलेंगे तो क्या हम लोग मानव मिशन भेज रहे हैं, क्या पहले कभी कोई सफल परीक्षण नहीं किए थे क्या, तो आखिरकार हम लोग कैसे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2014 में हम लोग इस प्रकार का एक परीक्षण ऑलरेडी कर चुके हैं, जिस प्रकार से हम मानव मिशन करेंगे वैसे ही एक मिशन कर चुके हैं। हम लोग अपने दम पे, यानी कि इसरो ने खुद का एक मॉड्यूल बना के, यानी कि जिस प्रकार से एक कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल बना के और दोस्तों GSLV के अंतर्गत रख के दोस्तों आराम से उसे अंतरिक्ष में भेज दिया था और सफलतापूर्वक उसे अंतरिक्ष से नीचे लाया गया था। सिंपल सी बात कहें तो आराम से
एक मेडुल को यानी कि सिंपल से बात करें एक कैप्सूल को आराम से भेज दिया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम दोस्तों केयर, यानी कि उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था केयर, और केयर आराम से अंतरिक्ष में गया था और फिर धरती पे आया था। बड़ी बात यह दोस्तों उस कैप्सूल को बंगाल की खाड़ी में यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास गिराया गया था। उसके बाद पूरे दुनिया हैरान हो गया था। 2014 में नासा, रशिया के रॉसकॉस्मोस, चाइना दोस्तों तमाम स्पेस एजेंसी हैरान हो गया था, हक्का बक्का हो गया था, आखिरकार भारत ने किस प्रकार से एक कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजा और अपने दम पे नीचे लाया। दोस्तों केवल उसमें मानव नहीं था लेकिन बिल्कुल ही सेम प्रोसेस है, जिस प्रकार से मानव को भेजेंगे ऊपर नीचे आएगा, ये काम हम लोग 2014 में ही कर दिए थे, यानी कि 18 दिसंबर 2014 को हम लोग ऐसा किए थे। अब आप दोस्तों समझ जाइए, ये जो विकास खासतौर पे इंजन बना है ना, उसका उपयोग हम लोग फिर से खासतौर पे GSLV में दोस्तों उपयोग करेंगे और आराम से अंतरिक्ष में भेज के अपना पहला मानवयुक्त मिशन सफलतापूर्वक कर लेंगे। दोस्तों जब तीसरा टेस्ट किया गया तो बड़ी बात तो यह है, बहुत देर तक दोस्तों सफलतापूर्वक टेस्ट होता है, यानी कि 240 सेकेंड तक ये जो मिशन है दोस्तों ये कामयाब रहा, यानी कि ये जो इंजन है विकास इंजन दोस्तों वो काम करता रहा। दुनिया हैरान हो गया है और भविष्य में देखेंगे भारत इसी शक्तिशाली इंजन के थ्रू कई सारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट करके दुनिया को चौंका देगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेगा तो भाई यहाँ पे बड़ी बात क्या है, नासा तो अपना मानव मिशन मून पे कर दिया, मून पे इंसान को पहुँचा दिया, रशिया बहुत आगे है, चाइना बहुत आगे है, हम लोग कौन सा तीर मार दिए। देखिए दोस्तों हम लोग तीर मारे हैं, सिंपल सी बात कहें, हम लोगों को जिस प्रकार से ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, हम लोग को जितना पिछड़ा बना दिया था, किसी को यकीन नहीं था कि भारत अपने पटरी पर आएगा, अपने दम पे आएगा। दोस्तों 1950 के दौरान दुनिया के तमाम थिंक टैंक ने पहली बोला था कि भारत आने वाले 100 साल में और गरीब बन जाएगा, यानी कि अमीर तो छोड़िए और गरीब बन जाएगा, भारत में भुखमरी और आएगा, भारत हर क्षेत्र में पिछड़ जाएगा, भारत बेहद ही गरीब बन जाएगा। दोस्तों उस समय अफ्रीका और भारत का तुलना सेम किया करता था, लेकिन बड़ी बात यह है अफ्रीका आज भी वहीं पर है जहाँ पे 1950 में था, लेकिन भारत आज दोस्तों तमाम खासतौर पर मुश्किल को छोड़ते हुए आज हर सेक्टर में बादशाह बन गया है। यहाँ तक हम लोग परमाणु बम, सैटेलाइट, यहाँ तक कि हम लोग एक से बढ़कर एक हथियार, दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और सिंपल सी बात करें, मानव मिशन मतलब कोई एरू गरू काम नहीं है दोस्तों। नासा दोस्तों कई बार बहुत पैसा खर्च किया है, खासतौर पर $1 बिलियन पानी की तरफ बहा दिया है, तब जाके ये मिशन किया है, और हम लोग थोड़ा बहुत खर्च में ये काम कर रहे हैं, तो समझिए हम लोग इतिहास रच रहे हैं और भविष्य देखेंगे भारत खूब कमाएगा। दोस्तों आम लोगों का भी सपना है वो पूरा होगा, जिसे जाना है अंतरिक्ष में जाए, भारत के इसरो उसे पहुंचाएगा, कम दाम में सस्ता में पहुंचा देगा और आराम से वो अपना मानव मिशन पूरा कर लेगा, यानी कि भारत का इसरो भविष्य में दोस्तों दुनिया में डंका बजाने वाला है और हम लोगों को अब कोई रोक नहीं पाएगा। सिंपल सी बात करें, जब इंसान का अच्छा दौर होता है तो वो मिट्टी में छूता है वो सोना बन जाता है। हमारा आज अच्छा दौर चल रहा है, हम लोग कुछ भी करेंगे तो आज सोना बनेगा, और हमारा वैज्ञानिक मेहनत भी कर रहा है, ये कभी हवा हवाई बात नहीं है दोस्तों, हम लोग मेहनत भी करते हैं, हम लोग पहाड़ तो एक रास्ता बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो समझिए हर सेक्टर में हमारा वैज्ञानिक क्या कर सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है।